इतने पढ़ा दूंगा ना बेटा कि नीट तो छोड़ो, कोई भी नीट के बेस्ट प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बुक आप सॉल्व करोगे उसमें बाहर से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मैं नीट और जेई में बस इतना सा डिफरेंस है, नीट में कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और जेई में मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। और ये आपको सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा कितना मैथमेटिक्स किया हुआ है। क्योंकि एनसीईआरटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बायो के लिए एनसीईआरटी भगवान है, बायो के लिए एनसीईआरटी एकदम भगवान है, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी भगवान है, लेकिन फिजिक्स के लिए जहां तक एनसीईआरटी की बात है जहां तक फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी की बात है तो दो तीन लॉजिकल बात मैं आपको बताता हूं, पहले सुनिएगा ध्यान से। फिजिक्स का एनसीईआरटी नीट वालों के लिए और जेई वालों के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो सर नीट और जेई में डिफरेंस होता है क्या? हां सर, क्या डिफरेंस है? नीट और जेई में बस इतना सा डिफरेंस है, नीट में कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और जेई में कंसेप्चुअल नहीं अच्छे होते हैं, मैथमेटिकल अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जेई में मैथमेटिक्स का ज्यादा एप्लीकेशन होता है, जेई में मैथमेटिक्स का ज्यादा एप्लीकेशन होता है, और एनसीईआरटी तो एक ही है, वो जेई वालों को भी पढ़ना है और वो नीट वालों को भी पढ़ना है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन आ जाता है मैथमेटिक्स का। देखो ऐसा नहीं है कि नीट का फिजिक्स ईजी होता है, मैंने दोनों पढ़ा है और बहुत लंबे समय तक पढ़ा है। नीट और जेई के फिजिक्स में लेवल का डिफरेंस नहीं है, नीट और जेई के फिजिक्स में बहुत ही कंसेप्चुअल डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। नीट का मतलब है कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, और जेई का मतलब है मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, लेंथी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल, लेंथी, लेंथी मतलब वो स्पेशली मैथमेटिक्स उनके सिलेबस में होता है, इसलिए मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं है, आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे बच्चे कई सारे टेलीग्राम में भी मैथमेटिक्स बेस्ड बहुत सारे डाउट पूछते थे, वो करना ही नहीं ना आपको, कोई भी लेंथी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपसे नीट में नहीं पूछा जाएगा। तो नीट के लिए एनसीईआरटी मस्ट नहीं है, नीट के लिए एनसीईआरटी मस्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, नीट के लिए एनसीईआरटी मस्ट नहीं है सर। लेकिन हमें बोर्ड भी देना, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। हां एनसीईआरटी रीड करिए, उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, हां एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्सेस और थोड़े थोड़े थ्योरेटिकल चीज आप पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज वन के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आप नहीं करेंगे, पहली बात। जहां तक एससीबी की बात है तो एससीबी का ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू मस्ट है, लिख लो ये बात। अगर आप एससीबी करना चाहते हैं तो नीट के लिए एससीबी कैसे करना है ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वन एंड ऑब्जेक्टिव टू ये मस्ट है, ऑब्जेक्टिव वन एंड ऑब्जेक्टिव टू मस्ट है। उसके बाद पहले 10-20 सवाल मस्ट है, 1-20 मतलब 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन मस्ट है। बाद में जो क्वेश्चन है ना वो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हैं या उसका आपको कंसेप्ट नहीं पता है, मैथमेटिकल लेंथी होगा। तो आप चाहें तो एससीबी का सॉल्यूशन अपने साथ रख सकते हैं, और अगर आप कहीं पे फंसते हो तो उसका सॉल्यूशन देखो, और तुम्हें उस सॉल्यूशन में लगता है कि नहीं यार ये तो कंसेप्चुअल सवाल है, मेरी गलती है, तो कोई बात नहीं, वहां पे उस कंसेप्ट को सीखो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स, इतना तो हमें पढ़ाया नहीं गया, तो आएगा भी नहीं। तो याद रखिएगा मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, और ये आपको सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा कितना मैथमेटिक्स किया हुआ है, समझ आ गया? तो सर ऐसे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये हम डिसाइड करते रहे, हाँ तो ये करेक्ट स्टेप ही नहीं है पढ़ने का। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप लेक्चर देखें, और मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां पर लिखा है एमआर नोट्स, इतने पढ़ा दूंगा ना बेटा कि नीट तो छोड़ो, कोई भी नीट के बेस्ट प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बुक आप सॉल्व करोगे उसमें बाहर से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मैं नीट की तो बात ही नहीं कर रहा, नीट का तो लेवल ही छोड़, नीट का तो लेवल ही हटा,
कोई भी किताब कर लोगे तुम, कई सारे नाम लेते हैं, अपना पीडब्ल्यू का मटेरियल कर लो, एससी वर्मा कर लो, डीसी पांडे कर लो, एमटीजी कर लो, कोई भी किताब कर लो, तुम्हें बाहर से सवाल नहीं मिलेगा। कोई भी किताब कर लो, तुम किसी का मॉड्यूल सॉल्व कर लो कोचिंग का, तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी है कि लेक्चर ढंग से अटेंड करना और नोट्स सॉल्व करना। नोट्स के बाद डीपीपी बहुत अच्छे से ईमानदारी से सॉल्व करना। उसके बाद पीडब्ल्यू का अगर आपने मेटेरियल लिया हुआ है तो बस इतना सफिशियंट है, और पीडब्ल्यू का टेस्ट दीजिए। या आप कोई सा भी नीट बेस्ड प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, नीट बेस्ड प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। इसमें कोई मस्ट नहीं है कि ये वाला लेना है या वही वाला लेना है या यही वाला लेना है, इसमें कोई मस्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप ये समझिए कि हो सकता है कि मैं पूरे फिजिक्स में एक ऐसा कंसेप्ट नीट में आ गया जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा होगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन 99% थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे नोट्स में कवर होते हैं। तब कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कहां से पढ़ेंगे, अरे नोट से पढ़ेंगे बाबा, नोट से पढ़ेंगे, डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीडब्ल्यू का मटेरियल आप ढंग से पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। आपको यहां पे ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी लेके पढ़ना है, यहां बायो के लिए एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा, लेकिन फिजिक्स में नोट्स से ही सब कुछ आएगा। देखो फिजिक्स का कंसेप्ट समझो, फिजिक्स से आते हैं न्यूमेरिकल, और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल अप्रोच है ही नहीं। 10 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, समझने की कोशिश करो। स्कूल में तुम्हें कहा जाएगा एनसीईआरटी पढ़ो, एक बात तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, एनसीईआरटी एक ही है, नीट और जेईई दोनों वालों को पढ़ना है। तो तुम बार बार उसमें बाउंड्री लाइन खींचते रहो कि ये तो नीट के लेवल का हो गया, ये जेईई के लेवल का हो गया, ये नीट के लेवल का हो गया, ये जेईई के लेवल का हो गया। तू परेशान नहीं रहना, तुम्हें उसमें से चीजें छांट के जो नीट के लेवल के लिए जो कंसेप्चुअल जरूरी वो डाला है, और जिसमें ज्यादा मैथमेटिक्स यूज हुआ है वो आपको नहीं करना। समझने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी को थ्योरी पढ़ने के लिए रख लीजिए, और एक्सरसाइज 1 आप चाहे तो वहां से कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां से चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी मेटेरियल लेके आप और जिन्होंने मटेरियल के लिए बोला है, मटेरियल मिल जाएगा बेटा, अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, ऐसा नहीं है कि मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिल जाएगा। और वो मुझे नहीं पता होता है बेटा कि कब मिलेगा, मेरा पढ़ाने का काम है, टेक्निकल काम नहीं है, बार बार मैं उसे पूछता हूं लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। मैंने एक दो बार बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेल बहुत ज्यादा बच्चों के मैसेज आते हैं, मैंने उनको बोल दिया एक दो बार, है ना, कि मॉड्यूल का आप देख लीजिए, ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ठीक है ना, ये है एकदम करेक्ट स्टेप, ये करेक्ट स्टेप नहीं है, हां ये मस्ट है बेटा, ये मस्ट है, एससीबी का ये मस्ट है। अगर आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा बिल्डअप करते हुए देखना चाहते हो, अच्छा कंसेप्ट डेवलप करना चाहते हो, जो कि नीट में 90% बच्चों का नहीं होता है, नीट में 90% बच्चों का नहीं होता है, अगर तुम नीट में टॉप 5-10% स्टूडेंट बनना चाहते हो तो एससीबी को कैसे करना है, देखो एससीबी का थ्योरी नहीं पढ़ना, एससीबी इज नॉट अ थ्योरी बुक, गलती से मत पढ़ लेना, पल्ले नहीं पड़ेगा, एससीबी थ्योरी बुक है ही नहीं, उसमें ढंग के थ्योरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बुक गलत है, वो न्यूमेरिकल बुक है, एससीबी को एज अ न्यूमेरिकल बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एससीबी में मस्ट है ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड फर्स्ट 1-10 और 1-20 क्वेश्चंस, जिसमें अगर मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी सवाल नहीं, मैंने सारी चीज आपको बता दी है।